पुलिस की गिरफ्त में कैसे आए वैशाली ठक्कर का एक्स बॉयफ्रेंड राहुल, जानिए पूरा प्लान। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के सुसाइड मामले में इंदौर पुलिस ने आरोपी एक्स बॉयफ्रेंड राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के 5 दिन के अंदर ही फरार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसके लिए पुलिस ने एक तगड़ा प्लान और स्ट्रेटजी बनाई थी। यहाँ जानिए इनके बारे में सब कुछ। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के सुसाइड केस में इंदौर पुलिस ने एक्स बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करके बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। पुलिस की राहुल नवलानी से पूछताछ जारी है और उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त कर लिए गए हैं। वैशाली ठक्कर का एक्स बॉयफ्रेंड राहुल नवलानी एक्ट्रेस के सुसाइड के बाद से ही फरार था, साथ ही में उसकी पत्नी भी फरार थी। वैशाली 15 अक्टूबर को इंदौर स्थित अपने घर पर सुसाइड कर लिया था। घटना स्थल से एक्ट्रेस का सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें राहुल नवलानी और उसके टॉर्चर की कहानी लिखी थी। लेकिन जब पुलिस आरोपी राहुल नवलानी की तलाश में उसके घर पहुंची तो ताला लटका मिला। वह पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया था। वैशाली ठक्कर के सुसाइड के 4-5 दिन के अंदर ही पुलिस ने राहुल नवलानी को गिरफ्तार कर लिया था। राहुल नवलानी को पकड़ने के लिए इंदौर पुलिस ने एक बड़ा प्लान बनाया था। वैशाली ठक्कर के सुसाइड के बाद पुलिस ने फरार आरोपी राहुल को उसकी पत्नी की तलाश के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई थी। उन टीमों को क्लियर निर्देशानुसार के बाद अलग अलग राज्यों के लिए रवाना कर दिया गया। इसकी किसी को भी भनक तक नहीं लगने दी। पुलिस की टीमें वैशाली के इस केस में पहले ही दिन से एक्शन मोड में आ गई। फरार आरोपियों को किसी भी तरह से पकड़ना था, इसके लिए गहन मीटिंग के बाद टीमें बनाई गई। पुलिस की टीमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में भेजी गई। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सर्कुलर नोटिस जारी किया और साथ में 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। पुलिस ने घोषणा करते हुए कहा था कि जो भी इन दोनों आरोपियों के बारे में जानकारी देगा उसे 5,000 का इनाम मिलेगा। उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। बार बार लोकेशन बदल रहा था आरोपी, ऐसे पकड़ा गया। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार करने के बाद बताया कि वैशाली ठक्कर के सुसाइड के केस के बाद से ही वह लगातार अपने लोकेशन बदल रहा था। वह एक जगह ज्यादा देर नहीं रुक रहा था। पुलिस के मुताबिक राहुल इंदौर के देवास के बीच कई ढाबों में छुपा हुआ था। पुलिस ने राहुल को पकड़ने के लिए लगातार टेक्निकल सर्विलेंस जारी रखा था। बुधवार शाम को ही पुलिस को खबर मिली थी कि राहुल देवास के इंदौर की ओर जा रहा है। बस फिर क्या था, पुलिस ने तुरंत ही रास्ते में चेकिंग पॉइंट लगाया और उसे पकड़ लिया। वही डीसीपी जोन अमित तोलानी ने बताया कि आरोपी राहुल नवलानी और उसकी पत्नी पर आईपीसी 306 के तहत केस दर्ज किया गया है। यह केस वैशाली ठक्कर के 5 पन्नों के सुसाइड नोट के आधार पर किया गया था। राहुल पर वैशाली को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप था। यह भी बताया गया है कि उसने वैशाली की मितेश से शादी भी तुड़वा दी थी। बॉलीवुड स्टार्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल बॉलीवुड स्टार्स के बारे में।